भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आज कार्यकर्ताओं के साथ आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर पानीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। पानीपत मॉडल टाउन क्षेत्र में आर्य समाज सदन में यह बैठक रखी गई थी। बैठक में पानीपत के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज, भाजपा विधायक रोहिता रेवड़ी, ग्रामीण क्षेत्र पानीपत विधायक महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ ब्रीफिंग में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि भाजपा की सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में विकास और सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए हैं उन सब का फल उन्हें मिलेगा और निश्चित रूप से उनके सभी उम्मीदवार जीत कर आएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसे कुछ कड़े फैसले भी इस दौरान लिए, मगर सभी फैसले देश के हित में थे व देश की जनता के हित में लिए गए। इन 4.5 सालों में जितना विकास कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव अपने ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी और इसी चुनाव के मद्देनजर आज वह कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने आए हैं। आपको बता दें कि पानीपत नगर निगम में पार्षद व मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वार्डबंदी भी लगभग फाइनल हो चुकी है। सिर्फ निगम के चुनावों की घोषणा शेष है। ऐसे में चुनावी रणनीति बनाकर भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को जितवाकर व नगर निगम में अपना मेयर बनवाना ही उद्देश्य है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। आज हमारी ये निगम क्षेत्र पानीपत की संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक में तो अपने जो संगठन की तैयारियां हैं उन तैयारियों पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसमें यहाँ के सब मंडल अध्यक्ष, यहाँ के अन्य सब प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में अपेक्षित है और इनके साथ बैठ करके यहाँ भी चर्चा कर जी। निश्चित रूप में जिस प्रकार के काम हमारी सरकार ने किए 4 साल में, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और 4.5 साल के लगभग कार्यकाल में, जो हर सरकार का कार्यकाल है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें ऐसे अनेक कार्य हमने जन कल्याण के भी किए और विकास के भी काम किए। इन दोनों ही कामों के आधार पर निश्चित रूप से जैसे हम पूर्व के चुनाव में विजय पताका फहराते आए, हमारी सरकार बनने के बाद चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव हों, बावजूद इसके कि बहुत कड़े और बड़े फैसले लिए हमारी सरकार ने, पढ़ी लिखी पंचायतों का, पढ़े लिखे स्थानीय निकायों में प्रतिनिधि चुन करके आए, एक इसका बहुत ही बोल्ड फैसला लिया था, लोग इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इस कदम के ऊपर चलते हुए और ये जो चुनाव करवाए पढ़ी लिखी जो नुमाइंदगी की शर्तों के साथ, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम निकल करके आया और नए नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था में आकर के आज हरियाणा सरकार का जो एक सबका साथ सबका विकास का नारा, उसको के साथ कदम ताल मिला करके चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। और इसके अलावा दो बड़े कदम और देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाए थे, जीएसटी का फैसला उन्होंने लिया था, नोटबंदी का फैसला उन्होंने किया था इसी दौरान, ऐसे सब जो फैसले जिनको हम कड़े फैसले कह सकते हैं, इसके बावजूद भी हमें हर चुनाव के अंदर विजय श्री प्राप्त हुई थी। और अब तो हमारी सरकारों ने, जैसे मैंने कहा कि 4.5 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल और 4 साल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यकाल, इसमें ऐसे हमने काम किए हैं जिसके बलबूते पर अब जो भी चुनाव आएगा निश्चित रूप से हर चुनाव हम जीतने वाले। हमारी सरकार ने बदल दी है, डायरेक्ट चुनाव हो गया है, जनता यानी कि नगर निगम क्षेत्र का हर यहाँ का नागरिक जो वोटर है वो अपने तरीके से मेयर का चुनाव करेगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो आपने जो बात कही है, अब तो सारी की सारी बातें ही खत्म कर दी हमारी सरकार ने। अब तो जो भी लोकप्रिय नेता यहाँ पर होगा और जो भी पार्टी यहाँ पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी, उसी पार्टी को लोग सर आंखों पर बिठाने वाले हैं पार्टी सिंबल पर, निश्चित रूप से। ये हमारा पूर्व का फैसला भी है कि भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव हमेशा से अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ती आई और ये चुनाव भी हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हैं।